हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सभी अच्छे नहीं होंगे। आप लोग भी मेरी ही तरह गर्मी से परेशान हो। तो आज इस समर को थोड़ा सा कूल करने के लिए लेके आई हूँ एक यम्मी एंड टेस्टी कूल रेसिपी, जो है फ्रूट कस्टर्ड। तो देखने में लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, तो इस इजीएस्ट कूल रेसिपी को ट्राई करने के लिए आप लोग भी आई होप एक्साइटेड होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रूट कस्टर्ड को बनाने के लिए चाहिए पहले वेकफील्ड कंपनी का है, तो जो खाली बोल ले लिया है जिसपे एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, और ले लिया है 10 स्पून यानी कि 1 कप पाउडर्ड मिल्क। मैंने एवरीडे लिया है, आप जो भी इस्तेमाल करते हो वो ले सकते हो। एक्चुअली ये टी वाइटनिंग जो मिल्क होता है वो, और यहाँ पे ले लूँगी ऑलमोस्ट 5 स्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर, और इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के 5 स्पून ले लिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, अमाउंट एकदम करेक्टली तो नहीं गिन पाई, तो 5 स्पून ही होना चाहिए। और उसके बाद दे दिया है 1 कप ऑफ थोड़ा सा ल्यूक्रम वाटर, मतलब गुनगुना पानी। उसके बाद अच्छे से एक मिक्सचर बनाना है ताकि कोई भी लंप ना रहे। स्पून की मदद से थोड़ा सा टाइम लेके इसको मिक्स कर लेना है, अगर लंप रहेगा तो बाद में ये अच्छा नहीं होगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चला दिया है ऑलमोस्ट 4 to 6 कप ऑफ वाटर, मतलब प्लेन वाटर को मैं यहाँ पे उबालने के लिए बिठा दिया है आग पर। और यहाँ पे मैंने ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, यहाँ पे 5 स्पून ले लिया है, आप लोग चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हो। और डाल दिया है ये जो मिक्सचर है वो कस्टर्ड और मिल्क का मिक्सचर। तो यहाँ पे इसको चलाना है अच्छे से एंड कंटिन्यूसली चलाना है, अदरवाइज नीचे से लग जाएगा और ये थोड़ा सा थिक यानी कि गाढ़ा होने स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये इसको कंटिन्यू नहीं चलाओगे तो जो लंप है वो क्रिएट हो जाएगा और नीचे से पकड़ लेगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो कंटिन्यू जब चलाते चलाते थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा बन जाए, आप इसका कंसिस्टेंसी आपके ऊपर है, आप जितना गाढ़ा चाहो उतना कर सकते हो। उसके बाद उसी बोल में मैं इस गरम किया हुआ जो मिक्सचर है उसको डाल दूंगी। तो अच्छे से इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, और अभी जो बचा खुचा है वो भी मैं ले रही हूँ। नीचे से थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा हो गया था तो उसको ही निकाल रही हूँ, और अभी इसको मैं अच्छे से सेट होने के लिए और ठंडा होने के लिए फ्रीज़ करूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। आप लोग चाहो तो और ज़्यादा फ्रीज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे फ्रीज़ कर लिया है इस मिक्सचर को। तो 3 घंटे बाद मिलते हैं आफ्टर 3 आवर्स, जो हमारा कस्टर्ड है वो अभी ठंडा हो चुका है अच्छे से। तो इसका जो फाइनल लुक है ये है ये। तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा स्पून की मदद से चला लूँगी, और ऊपर थोड़ा सा मलाई जैसा हो गया था तो उसको मिक्स कर लिया है। अभी डाल दूंगी भिगोया हुआ किशमिश या फिर रेजिन्स, आप चाहो तो कोई भी फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी मैंगो पल्प, और छोटे छोटे पीसेस भी है। मैंगो पल्प डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो गया था। और उसके बाद मैं डालूंगी काजू, आप लोग चाहो तो कोई भी फ्रूट कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो काजू को थोड़ा सा क्रश करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और अच्छे से अभी मिक्स कर लूँगी। कितना प्यारा कलर आया है ना, देखने से ही मुँह में पानी आ जाता है। तो ये रेसिपी इतनी इजी है कि कोई भी बच्चा भी कर लेगा बड़ों की निगरानी में। तो ये बन गया है यम्मी टेस्टी कूल रेसिपी कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। तो ये है फाइनल आउटकम। और इसको अभी हम लोग और भी ठंडा करेंगे विद आइस क्यूब्स।
तो आइस क्यूब्स की मदद से इस पे और ज़्यादा यम्मी और टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कुछ आइस क्यूब्स, आप ये सर्विंग के टाइम पे डालोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन भी और टेस्ट भी। तो ये बन गया है ठंडा ठंडा कस्टर्ड। तो आप भी ट्राई करें और फैमिली एंड बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करें और गर्मी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। तो कैसा लगा मेरा रेसिपी? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और जो भी आज मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा पानी पिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बाहर जाए तो मास्क पहने। बाय, स्टे हैप्पी।